छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूं कि चुनाव का असर जो है देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने निकाले हैं 10 लाख पदों पर बंपर भर्ती, 10 लाख पदों पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विज्ञापन। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है 22,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती। तो जो भी स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वीडियोस होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट के लिए एक से बढ़कर एक जो है छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है वैकेंसीज, एक के बाद एक जो है नई नई नोटिफिकेशन, नए नए अपडेट जो है अपकमिंग वैकेंसी जो है निकल कर आ रहे हैं, जिससे कि आपको जो है जॉब मिल सकते हैं। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, और आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो है मेहनत करें, तैयारी करें, और आपको आपके मेहनत के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेटली जो है बेनिफिट्स और एक अच्छा खासा बेहतर रिस्पॉन्स कर एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों को अवश्य रूप से जो है मिल पाएगा। बस आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बस इसी तरीके से जो है मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, मेहनत का रिजल्ट जो है बेस्ट होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे, जितना ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, परेशानी आएंगे, और उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हो, कितने भी परेशानी चल रहे हो, उन सभी परेशानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना है। और 22,000 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है। तो किस तरीके से भर्ती होगा, कौन कौन से पोस्ट जो है होने वाला है, और किस तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट अभी यही सोच रहे हैं कि आखिरकार हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, और हमारा सिलेक्शन होगा तो किस तरीके से जो है हो पाएगा। आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी आपकी है, ड्रीम्स आपके हैं, सपने आपके हैं, तो इन सपनों को पूरा करने के लिए जो काम करना है, जो मेहनत करना है, जो स्ट्रगल करना है, जो हार्डवर्क करना है, वो आपको ही करना पड़ेगा। कोई और नहीं आने वाला आपका काम करने के लिए, कोई और आपका हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। कामयाबी आपको चाहिए, सक्सेस आपको चाहिए, शोहरत आपको चाहिए, नेम फेम पैसा आपको चाहिए, तो उसके लिए कीमत भी आपको ही चुकाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी या लाइफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है ज़िंदगी में एक बार मिलती है, और बार बार ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। और एक बार अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल गए, उसके बाद अगर आप सोचोगे कि काश यार मैंने पहले मेहनत किया होता, मैंने पहले पढ़ाई किया होता, मैंने पहले तैयारी किया होता, तो आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गया होता। तो जब आपके पास वक्त रहता है, जब आपके पास टाइम रहता है, उस टाइम के उस वक्त की कद्र किया करो। अगर आप टाइम पे के इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, टाइम्स के वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो आपका कहाँ से सिलेक्शन जो है हो पाएगा, बिल्कुल भी सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। आप जिस परिस्थिति में, जिस हालात में हैं, उसी हालात में आप जो है हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए यदि आपको अपने हालातों को बदलना है, अपने सिचुएशंस को बदलना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए जो है आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो, आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा तुम हार्डवर्क करोगे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेहतर होगा रिज़ल्ट, उतने ही बेस्ट रिस्पॉन्स जो है आप लोगों को रिज़ल्ट जो देखने को मिल पाएगा। और छत्तीसगढ़ में जितने भी भर्तियाँ होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, जितने भी वैकेंसीज होती है, जितने भी नई नई अपडेट्स आते हैं, उनमें से हर एक अपडेट जो है, हर एक वैकेंसी, हर एक भर्ती परीक्षा जो है अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर जो है बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होता है। और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिज़ल्ट जो है डेफिनेटली जो है मिलने वाला है। तो आपको बस अपना काम करना है, किसी के बारे में सोचना, इन सभी चीज़ों के बारे में भूल जाओ, किसी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, सिर्फ सोचना है तो अपने पढ़ाई के बारे में सोचना है, किस तरीके से मुझे तैयारी करना है, किस तरीके से मैं तैयारी करूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन जो है हो पाए। तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के, टीचर्स के 12,489 पदों पर जो है भर्ती होने वाला, जो कि आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट्स हैं। और एक बढ़कर एक जो है छत्तीसगढ़ में अपडेट एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्ती जो है, वैकेंसी जो है होने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन होगा, उतना ही बेस्ट रिस्पॉन्स, उतना ही एक अच्छा खासा एक बेहतर रिज़ल्ट आप लोगों को मिल पाएगा, और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली ज़रूर होगा। सक्सेस कामयाबियाँ कब मिलती हैं, सक्सेस कामयाबियाँ अचीवमेंट हमें तभी हासिल होता है जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं, और अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हमें कामयाबियाँ भी ज़रूर मिलेगी। कामयाबियाँ, सक्सेस, सफलताएँ जो है एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कामयाबियाँ, सक्सेस, सफलताएँ जो है एक दिन ज़रूर मिलती है। तो उस एक दिन की कामयाबी को पाने के लिए ना जाने हमें कितने रात जगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और पेशेंस, सब्र जो है दिखाना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आप में सब्र होगा, जितना ज़्यादा आप में लगन होगा, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रगल होगा, संघर्ष भी उतना ही ज़्यादा होगा, काम भी उतना ही ज़्यादा,
उसी के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट रिजल्ट जो है मिलने वाला है। शिक्षक के भर्ती होगा, साथ में जो है आप लोगों के लिए सहकारिता विभाग का भी भर्ती होने वाला है। 3000 पोस्ट जो है सहकारिता विभाग में आप लोगों के लिए निकल कर आने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक जो है भर्तियाँ, एक के बढ़ एक बढ़कर एक जो है जॉब, एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाले हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से बदल सकते हैं। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ टाइम कुछ मौके होते हैं जो ज़िंदगी में आपको जो है बार बार नहीं मिलते, कुछ ही मौके होते हैं। अगर कुछ ही मौके आपको मिल रहे हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ का, यदि आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से प्रिपरेशंस करना, अच्छे से हार्डवर्क करना है, तो उसके लिए जो आपको उसी तरीके से लगन, उसी तरीके से जज्बे के साथ आपको जो है मेहनत करना होगा। और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से मेहनत कर लिए आपके लाइफ जो है ज़रूर बदल पाएगा, आपके लाइफ में ज़रूर कुछ नया होगा। और आप अपनी ज़िंदगी को जो है पूरी तरह से, आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम चल रहा हो, जितने भी परेशानी चल रहा हो, कोई बात नहीं, हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस होता है। आपको परेशानी के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि यार मेरे लाइफ में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे सिचुएशन चल रहे हैं, मुझे किस तरीके से इन सभी प्रॉब्लम्स को, किस तरीके से इन सभी सिचुएशंस को फेस करना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँ, बेहतर रिस्पॉन्स मुझे किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से मेरा रिज़ल्ट जो है अच्छा होगा, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ, तो वह मैं किस तरीके से अपने सपनों को, किस तरीके से मैं अपने ड्रीम्स को, किस तरीके से मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर पाऊँ, ये चीज़ आपको सोचना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिज़ल्ट होगा। तो 22,000 पोस्ट जो आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भर्तियों का दौर जो है सिलसिला जो है जारी हो चुका है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि एक के बाद एक जो है भर्तियाँ, एक के बाद एक जो है आप लोगों के लिए अपडेट्स, एक के बाद एक जो है वैकेंसी जो है होने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो मेहनत करो, काम करो, मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, कोई साथ देने वाला नहीं है। सभी लोग कामयाबी देखना चाहते हैं, जो लोग कामयाब हैं उन्हीं के साथ लोग खड़ा होना चाहते हैं। तो यदि आप भी कामयाब हैं, यदि आपको भी सक्सेस चाहिए, आपको भी यदि फेम चाहिए, यदि आपको भी एक खुद की वैल्यू बनाना है, खुद की वैल्यू क्रिएट करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेस हासिल करना है, तो इसके लिए आपको जो है मेहनत करना होगा। और जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आपको किसी ने रोका नहीं है, किसी ने टोका नहीं है, और जो जिसे आप दोस्त यार मित्र समझ रहे हैं कोई भी नहीं है, सब तुम्हारे स्वार्थी मित्र होंगे, जो तुमसे अपने स्वार्थ के लिए ही तुमसे मतलब रखते हैं। इसलिए फालतू के बातों पर, फालतू के लोगों के बातों पर इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना। बहुत से लोग होते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हारी किसी से लड़ाई हो, तुम किसी मामले में उलझे रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाओ, यही वो लोग चाहते हैं। अगर तुम अच्छा रहते हो ना, तो वो कुछ ना कुछ तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, वो सोचते हैं कि कब इसकी लाइफ ख़राब हो, ऐसा वो लोग सोचते हैं। आपको उन लोगों के बातों पर बिल्कुल नहीं आना। आपको जितना हो सके अकेला रहना, अकेलेपन से, अकेलेपन जिन्होंने फेस कर लिया उसे ज़िंदगी में हर एक को कामयाबी मिलेगा, हर एक को शोहरत मिलेगा, हर एक को प्रसिद्धि मिलेगा। इसलिए अकेलेपन से बिल्कुल मत घबराओ, अकेलेपन से बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये ज़िंदगी आपके है। आप अकेलेपन, अकेले हो फिर भी कोई बात नहीं, अकेलेपन को फेस करो, मेहनत करो, तैयारी करो। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। वीडियोस अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोस को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर कीजिए। सो इसी तरीके से नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।